ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا والحمد لله رب العالمين سب لوگ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں تھوڑی سی ریپیٹ بڑھائیے ہلکی واپسی تھوڑا سا ہی کو جی لگا کر ایک بار نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف پڑھ لے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ میرے مزاج کو جانتے ہیں عارف رضا قریشی وقت کم لیتا ہے لیکن بات عمدہ کر کے جاتا ہے نبی کی یہ نبی کا کرم ہے میری کوئی اوقات اور میری بساط نہیں یہ صرف مدینے والے کا کرم ہے سب لوگ ایک بار نبی کے نام پہ بول دیں یا رسول اللہ چند اشعار نعت پاک کے سماعت کر لیں سب لوگ لحق ایک بار بول دیں یا رسول اللہ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کی محبت میں بولیے یا رسول اللہ رب سلم کی صدا سوچو ذرا رب سلم کی صدا سوچو ذرا رب سلم کی صدا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا رب سلم کی صدا سوچو ذرا رب سلم رب سلم کی صدا سوچو ذرا رب سلم کی صدا سوچو ذرا سوچو ذرا میرے آقا کی دعا سوچو ذرا میرے آقا کی دعا سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا آمنہ سے کیا ملا سوچو ذرا آمنہ سے کیا ملا سوچو ذرا اور آخری شعر محبت کے ساتھ بول دیں جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ نعت لکھنے کے لیے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے یوسف بھائی بہت اچھا شعر ہے بہت اچھا شعر جو لوگ سرکار اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے لیکن کہ بولی ایک بار یا رسول اللہ نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے کیسے ملے لہجہ احمد رضا سوچو ذرا لہجہ احمد رضا سوچو ذرا لہجہ احمد رضا سوچو ذرا نعرے تکبیر نعرے رسالت دیکھو نہیں
का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरा आपका रब्बे कदीर कुरान हकीम बुरान रशीद में ऐलान फरमाता है। मेरे नबी की बाबत अल्लाह करीम कुरान हकीम बुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबीयो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाहिगन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरा आपका रब्बे कदीर कुरान हकीम बुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, आओ अपने रब से पूछते हो मेरे मालिक, ओ मेरे रब्बा तू बता अपने नबी की शान तुझे कैसे बयान करना है। तो मेरा रब्बे कदीर कुरान हकीम ला रहब किताब में इरशाद फरमाता, या अय्युहन नबी, आला हजरत का तर्जुमा करके मैं आपको बताता हूँ। सुभान अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। ये गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा है। बोलते रहिए आप, रत्ना में आए हैं। मेरा मिजाज नहीं है कि मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं उस मिजाज का इंसान हूँ। जब तक लोग बोलते नहीं, आरिफ रजा कुरैशी बोलता नहीं, ये बात अलग है कि मैं रत्ना में जब तकरीर करता हूँ तब नहीं बोलवाता हूँ, मगर आज रत्ना के नहीं, रत्ना की तमाम लोग आसपास के इर्द गिर्द के आए हैं। आप लोग बोल के दिखाइए, आरिफ रजा आपको फिर सुना के दिखाएगा। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा आपका रब्बे कदीर कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, वो मेरे गैब की खबरें बताने वाले ने, मैंने है नबी आपको गैब की खबरें बताने वाला बना के भेजा है। वो मेरे नबी, मैंने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा है, मैंने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा, मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है, अपने हुक्म से अपनी तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है। मेरा आपका रब्बे कदीर कुरान की आखिरी आयत में ऐलान फरमाता है, वसिराजम मुनीरा। ओ मेरे सोने महबूब, मैंने आपको चराग बना के भेजा, मैंने आपको चमका के भेजा है, जो आपके कदम नाज में आ जाएगा आपके सदके में। मैं रब बताता हूँ, मैं रब फरमाता हूँ, उसे भी चमका दूंगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। मैं उसे भी चमका दूंगा। अब मैं चमक आपको बताऊं, चमक में कहां से मिली? अब मैं आपको बताऊं कि चमका था कैसे रब है। चलो बरेली शरीफ मदीने के ताजेदार की शान को सुनते हैं, बरेली के ताजेदार किबले दिलो जाए माँ इश्को मोहब्बत, बरेली के ताजेदार मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा से पूछते सरकार, आपको तो सुन्नी बड़ा अच्छा मानते, बड़ा शानों वाला मानते, आप बताइए रब के प्यारे नबी की शान क्या है? तो मेरे सरकारे सरकारा सरकार इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में, सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा, नूर का सदका लेने, सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, रत्ना नूरी नगर के इस तज ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आओ आओ सबसे पहले जिक्र करते हैं अपने रब्बे कदीर का। इस कायनात में सबसे बड़ी कोई जात है तो हमारे और आपके रब की जात है। बेशक बेशक बेशक, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह है। सबसे बड़ा अल्लाह है। मैं अपनी तकरीर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ जहाँ से दुनिया ही नहीं, जो दुनिया का मालिक है,
जो खालिक के कायनात है, जो मालिक के कायनात है, जो मालिक के इंसान है, मालिक के जिन है, उसी रब की बारगाह में पहुंचता हूं। मैं कहूंगा कौन आपको जुमला बोलना है? अल्लाह, ताकि इस जिक्र मुस्तफा में अल्लाह का नाम भी आता रहे। जरा जी लगा के आप लोग बोलते रहिए, मैं कहूंगा कौन। बस वक्त ज्यादा मुझे नहीं लेना है, थोड़े से वक्त की तकरीर होगी। जी लगा के बोलते एक बार यार रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलते यार रसूल अल्लाह। इकरार भाई आप देते रहिए, बस टेंशन मत लीजिए। आप कहां बातें कर रहे हैं? जी लगा के बोलिए यार रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलते यार रसूल अल्लाह। इस आसमां को बनाने वाला, आप बोलेंगे नहीं, सब लोग बोलिए मिलकर। आसमां को बनाने वाला, ये जमीन को बनाने वाला, आसमां पे सूरज और चांद को चमकाने वाला, मौजों की तोगयानियों को बनाने वाला, ये समंदर की सैलानी बनाने वाला, समंदर को बहाने वाला, पहाड़ों को पैदा करने वाला, पहाड़ों को पैदा करने वाला, इंसानों को पैदा करने वाला, जिन्नो इंसान को बनाने वाला, जानवरों को बनाने वाला, ये माँ के पेट में तस्वीर गरी करने वाला, कौन है कौन है? कहना पड़ेगा अल्लाह है। जब अल्लाह है तो फिर हमें सब लोगों को मिलके सदा लगानी, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। नारे नारे रिसाला, नारे वसीयत, मशरक़े आला हजरत फैजान आला हजरत हजरत मौलाना मोहम्मद आदिफ सरदार साहब क़िबला कुरैशी, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, सरजमीने रत्ना नूरी नगर। सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। ये जमीन जब ना थी, आसमां जब ना था, ये जमीन जब ना थी, ये समा जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, जब ना था कुछ आखा था मगर तू ही तो, जब ना था कुछ आखा था मगर तू ही तो। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। बोलिए या रसूल अल्लाह, मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन से प्यार करने वालों, आओ आओ मेरे नबी के सियाबी, मेरे नबी के सियाबी का नाम सुनो, जनाब हजरत तल्हा बिन बर्रा। मेरे नबी का यार है, मेरे नबी का दीवाना, मेरे नबी का मस्ताना, मेरे नबी का चाहने वाला। आज कई बार जिक्र किया गया, नबी से कितना प्यार करते हो, आओ सबक लेके जाओ, नबी से प्यार कैसे किया जाता है। नबी के सिहाबा की जिंदगी से सीखते हैं कि हमें नबी से प्यार करने का अंदाज क्या होना चाहिए। मेरे नबी का यार है जनाबे हजरत तल्हा बिन बर्रा, ये 13 साल का मेरे नबी का यार है। बेशक सुभान अल्लाह। कितने 13 साल का एक सियाबी है, बच्चा सियाबी है, बच्चा सियाबी है, 13 साल की उम्र है। हुजूर का कलमा पढ़ लिया, मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने याराने वफा की महफिल में बैठे हुए हैं, सिहाबा का मजमा लगा हुआ है। मेरे नबी के यार मेरे नबी की अमराई में बैठे हुए बातें सुन रहे, मदीने वाले की मदीनी मदीनी भीनी भीनी मौजज़े वाली जबान से मेरे नबी के कलेमात सुन रहे। मेरे नबी के यार एक सियाबी मदीने के पास के रहने वाले जनाबे हजरत तल्हा बिन बर्रा मेरे नबी की बारगाह में आए। उम्र 13 बरस की है, हम नबी से आज 70 साल की उम्र के बाद में भी नबी से मोहब्बत का तो दावा करते, लेकिन हम नबी के नाम पे कुछ कर नहीं पाते। लोगों मेरे नबी के सिया
यार की जिंदगी से सीखो, नबी के यार के इस जज्बे ईमानी से सीखना कि हमें नबी से प्यार कैसा करना चाहिए। मेरे नबी के यार जनाब हजरत तल्ला बिन बर्रा आया के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपसे यार, या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ। इतना मेरे नबी से अर्ज करना था, मेरे नबी को ने फरमा तुम मुझसे प्यार करते हो, ओ बच्चे तू मुझसे प्यार करता है, तेरे प्यार का कोई सबूत है, कोई दलील है, कोई दलील हो तो दलील ले गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। सरकार का सहाबी 13 साल की उम्र है, कह रहे कोई दलील हो, आवाज हल्की पकड़ रहा है, 13 साल का सहाबी कह रहे हैं कि अगर कोई दलील हो हुजूर ने फरमाया तो लेके आओ। जब इतना सुना, मेरे आका सैयद है कौनैन का इतना फरमाना था, मेरे आका सरवर है कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे नबी ने इतना फरमाया, वो मेरे नबी का यार अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, आप मुझसे जो कम फरमाए मैं आपका गुलाम वो काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतना मेरे नबी का सुनाना था, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे यार जब बात ये है तो जा अपने बाप का सर काट के ले। जब इतना सुनना था मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी का यार मुस्तफा की महफिल से याना ने वफा के मजमे से उठा तोड़ने लग गया। मेरे नबी ने उसका अंदाज उसका जज्बा ईमान देखा, मेरे नबी मुकर्रम ने ज़बाने फ़ैज़ तर्जमान से फरमाया ओ मेरे यारो इसको जाने वाले को रोको ये कहाँ जा रहा है। अल्लाह हू अकबर कबीरा। दौड़ते हुए मेरे नबी के दूसरे सियाबा ने हाथ पकड़ के खींचा, बोले कहाँ जा रहे, बोले तुम्हें पता नहीं नबी ने क्या फरमाया अपने बाप का सर काटने जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं नबी से प्यार का सिर्फ दावा नहीं नबी से सच्चा इश्क करता, नबी से दावा ही नहीं दावे के साथ दलील भी रखता हूँ। मेरे नबी के यार ने जब इतना फरमाया, इतना लोगों से कहा, मेरे आका सैयद कौन है ने फरमाया बुला लो मेरे यार को, इतना मेरे नबी ने फरमाया बुलाओ मेरे यार को। मेरे नबी के यार 13 साल का सियाबी, 13 साल का बच्चा सियाबी है, मेरे नबी ने बुला के मेरे आका ने सीने से लगाया, मेरे आका ने सीने से अपने यार को लगाया। लगाने के बाद में वो नबी का यार कहता जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो। पूरी दुनिया की उम्मत मुसलिमा को मेरे नबी का 13 साल का सियाबी एक पैगाम दे के चला गया, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये ना होगा हर एक समोसे, ये होगा हर किसी ना हमसे, लेके नबी का जाहो, नबी का जाहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज एक मजबूरी ये बन चुकी है कि तकरीर मैं करता हूँ तो आप सरकार ने सीने से लगाया। लगाने के बाद में अगला जुमला जो अभी जो बात आ रही है, जो मजा आएगा इंशाल्लाह, यही सहाबी की बात पूरी करना, फिर तकरीर भी पूरी हो रही। जी लगा के बोलते हुजूर के नाम पे अल्लाह। मेरे आका सैयद कौन है, सरवर है कौन मकान है, अपने यार को सीने से लगाया, सीने से लगाना था। उसके बाद में मेरे आका अपने घर में चले गए, मेरे नबी का यार सियाबी वो अपने घर चले गए। उसके बाद में कई दिन का जमाना गुजर गया, कई दिन का वक्त गुजरा, मेरे नबी का यही वाला सहाबी बीमार हो गया। लोगों मेरे नबी को पता चला मेरा यार बीमार हो गया है। जब पता चला
मेरे आका सैयद कौन है इनको मेरा यार बीमार हो गया है। मदीने के ताजदार ने अपने सियाबा की हमराई में अपने यार के घर की तरफ रवाना हो गए। मेरे आका अपने सियाबा को साथ में लेके उस मेरे नबी के यार के घर पे अयादत करने के लिए तशरीफ ले गए। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों जरा सोचो तो सही, अयादत करने वाला नबियों का ताजदार हो, सुभान अल्लाह, बीमार सहाबी हो और अयादत करने वाला नबियों का ताजदार हो। ओ जनाब हजरत तला बिन बर्रा तेरी शानों पे कुर्बान, अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका अपने सहाबा की अमराई में हजरत तला बिन बर्रा, इनका मकान मदीना शरीफ से थोड़ा सा देहात में था और इस देहात में और हजरत मेरे आका सैयद कौनैन के घर के बीच में थोड़े से यहूदी रहते थे, यहूदी रहते थे, यहूदी हुजूर के सख्त दुश्मन थे, यहूदी हुजूर के दुश्मन थे, दीन के दुश्मन थे, वो मुसलमानों के दुश्मन थे। तो यहूदी रहते थे, हुजूर जब चले गए तो सरकार अपने सहाबी के घर गए, सरकार ने देखा हजरत तलहा देख के खुश हो गए और खुश होते को नहीं कायनात का मालिक को सुभान अल्लाह ले गया। अब हुजूर जब घर तशरीफ ले गए तो सरकार सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाने एक उनके घर के शख्स को बुलाया, क्योंकि सरकार ने देख लिया था उनका विसाले पुरवार होने वाला है। सरकार को पता था कि मेरा यार कल तक इंतकाल कर जाएगा, क्योंकि मेरा नबी तो इल्मे गैब दा नबी है ना, गैब दा नबी, मेरा नबी तो गैब की बातें जानता था। तो हुजूर ने समझ लिया कि मेरा यार खत्म हो जाएगा। अब हुजूर ने एक अपने दीवाने को बुलाया और सरकार ने अलग ले जाके फरमाया कि मेरा यार अगर इंतकाल कर जाए तो इनकी इंतकाल की खबर मुझ मोहम्मद को जरूर करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खबर करना, मैं अपने यार की नमाज जनाजा खुद आके पढ़ाऊं। अब आपको तड़पा कर रख देगा ये जो बताने जा रहा हूं, जी लगा के बोलिए एक बार यार। मदीने के ताजदार ने कहा खुद मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। मेरे आका सैयद कौनैन फरमा के अपने घर वापस आ गए। रब का करना अल्लाह का पाक फरिश्ता जनाब इजराइल आए, इजराइल आए रब के हुक्म से मेरे नबी के यार की जान निकाल ली। जनाब हजरत तला बिन बर्रा इंतकाल कर गए, जब ना हुआ अभी इंतकाल नहीं किया, मेरे नबी ने अलग साइड में ले जाके जो पूछा था कि ये जब इंतकाल कर जाए, इंतकाल कर जाए मुझे खबर करना, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आऊंगा। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत तला बिन बर्रा देख रहे थे कि मुस्तफा कुछ कह रहे हैं। सरकार जब अपने घर तशरीफ ले गए उसी सहाबी को हजरत तला बिन बर्रा ने बुलाया और आके कहते ओ मेरे यार, ओ मेरे भाई, बता मेरे मदीने के ताजदार मेरे आने का फरमाया तुझे अलग में ले जाके। वो नबी का यार कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरे तलहा की तबीयत खराब होने की बुनियाद पे अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए, हजरत तलहा को मौत आ जाए तो मुझे खबर कर देना, मुझे खबर कर देना, मैं तलहा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। अल्लाह हू अकबर कबीरा। इतना सुनना था जनाब तलहा कहते हैं ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे यारो, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों सुन लो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए मदीने वाले को खबर नहीं करना है। अल्लाह 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 अल्लाह। बोले हजरत तला बिन बर्रा, बोले मदीने वाले को खबर नहीं करना है। सियाबा के मजमे में हलचल मच गई, हलचल मची। मेरे नबी के दूसरे यार कहने लगे ओ तलहा तू क्या कह रहा है, मदीने वाले ने तो अपनी नबूवत वाली ज़बान से कहा है अगर
इंतकाल हो जाए मुझे खबर करना, मैं नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा। वो तलहा तुझे पता ये नबी कौन है, बोले पता है तभी तो बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बोले पता है इसीलिए बोल रहा हूँ। बोले लेकिन तुम्हें भी तो पता है मेरा नबी मदीना में रहता है। मदीना 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 मदीना, सुभान अल्लाह, वो मदीना दिखा दे आएगा ही। वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना उस मदीने से मेरे घर का फासला है, मैं देहात में रहता हूँ। मदीना और मेरे मकान के बीच में नबी के दुश्मन यहूदी 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 रहते हैं। तुम्हें पता है कि मेरे नबी से दुश्मनी करते मेरे आका मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने आए। ये तल्ला को गवारा नहीं, मेरा यार मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने आए। कोई नबी पे आके दुश्मन हमला कर दे, ये मेरे दिल को गवारा नहीं। बेशक बेशक, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के यारो, तुम्हें पता है, तुम कहते हो तुम्हारी बात ठीक है कि हुजूर बड़ी शान वाले हैं, हुजूर बड़े कमाल वाले हैं, अल्लाह ने बड़ा मुजज़ा अता फरमाया, 1,25,000 नबियों का अल्लाह ने आपको इमाम बनाया है, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल का इमाम बनाया मेरे मुस्तफा को। मगर जब मेरे मुस्तफा मदीने से मेरे घर की तरफ आएंगे, बीच में मेरे मुस्तफा करीम सैयद कौनैन के दुश्मन यहूदी मिलेंगे, वो हो सकता है कि मेरे आका पे कोई गलत उंगली उठा दे। ये तलहा को गवारा नहीं। उसके बाद में मुस्तफा को दूसरे दिन दूसरे यारों ने बता दिया, तलहा का विसाल हो गया, तलहा का इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफा अपने सहाबा की हमराई में सुबह को उनके घर चले। जब इश्क होता है तो यार फिर आशिक मानता ही नहीं। अब मेरे मुस्तफा हजरत तलहा के घर गए, मेरे आका तल्ला जनाबे हजरत तल्ला बिन बर्रा के घर पे गए, मेरे आका अपने यारों की अमराई में गए। जाके पूछा तुमने खबर नहीं की, बोले या रसूल अल्लाह जिसका जनाजा था उसने मना किया था कि आपको यहूदी तकलीफ दे दे। लोगों पता चला मेरे नबी के यारों ने, मेरे नबी के यारों ने यारानी का कितना वफा किया है। अल्लाह पर मेरे आका सैयद कौनैन के यारों ने वफादारी का क्या अंदाज निभाया है। अल्लाह पर कबीरा जनाबे तलहा के घर वालों से पूछा, बताओ मेरे यार की कब्र कहाँ है। मेरे मुस्तफा जान रहमत सैयद कौनैन अपने यारों के साथ गए और उन तलहा के घर वाले को साथ लेके शख्स को गए। जाके कब्र पे पहुंचे, मेरे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जाके मेरे मुस्तफा ने हजरत तल्ला बिन बर्रा की नमाज जनाजा पढ़ाई। ये है हुजूर से प्यार। हजरत तल्हा का पता चला कि हजरत तल्हा रदी अल्लाह ताला पता चला कि हुजूर के सहाबी को ये भी गवारा नहीं, मेरे मुस्तफा मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए और कोई शख्स मेरे नबी पे अंगुश्त नुमाई करे। आज दुनिया में हुजूर के नाम पे खाते हैं, हुजूर के नाम पे पहनते हैं, हुजूर के नाम पे पीते हैं, मगर हुजूर की शान में गुस्ताखी होती रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमारा मुसलमान बोलता नहीं है, खामोश रहता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, नेक काम करो, बुरी बातों से नहीं बचता है, नमाज की पाबंदी नहीं, चुगलखोरियों में इधर की उधर लगाने में, इधर की उधर लगाने में जितना वक्त लग जाए उसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस रत्ना नूरी नगर को। जी लगा के मोहब्बत के साथ एक बार बोलते यार और तलब के बोलते यार यार। मुझे फरमाइश की गई शजरे की, मैं शजरा मैं अपने आका सैयद कौनैन का आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। जी लगा के बोलते यार।